नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजवानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसका नाम मात्र डर का साया फैलाने के लिए ही काफी है, तो सोचिए उसका सामना जिससे भी होगा उसका क्या हश्र होगा, जिसके नाम की बादशाहत इतनी है कि उसके खिलाफ खड़े होने का कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के बाहुबली अतीक अहमद की। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर सुर्खियों में माफिया अतीक अहमद। पूर्वांचल में चलता है अतीक का सिक्का। उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक। राजूपाल केस के गवाह थे उमेश पाल। सरेआम कर दी गई उमेश की हत्या। योगी सरकार ने तोड़ी माफियाओं की कमर। अतीक को सताया, मौत का डर। अतीक अहमद का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उमेश पाल हत्याकांड। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड से न केवल प्रयागराज बल्कि पूरा देश दहशत में है। इस हत्याकांड ने सभी को हिला कर रख दिया है और इस हत्याकांड की खास बात यह है कि इसका मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद को बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं उमेश पाल हत्याकांड के बारे में। उमेश पाल 2004 में हुई राजूपाल हत्याकांड का गवाह था, जिसके चलते उमेश पाल को सुरक्षा के लिए दो गनर उपलब्ध कराए गए थे। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और उनके दो गनरों की सरेआम बीच चौराहे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिसके अतीक अहमद के बेटे असद को गोली चलाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के लिए शूटरों ने वक्त, जगह और तरीका ऐसा चुना जिससे उनकी दहशत फैल जाए। वहीं इस हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। इस हत्याकांड में शामिल कई आरोपियों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है, तो कुछ की तलाश जारी है। इस हत्याकांड में अतीक के बेटे असद के शामिल होने के चलते अतीक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी अतीक कई घटनाओं में संलिप्त था। अतीक के काले कारनामे और जुर्म की गिनती करना काफी मुश्किल है। अतीक अहमद पर 100 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद भी अतीक को किसी मुकदमे में सजा नहीं सुनाई गई है। चलिए बताते हैं आपको अतीक के कुछ अपराधों के बारे में, जिसके चलते अतीक सुर्खियों में बना रहा। इनमें से प्रयागराज का मदरसा कांड अतीक के अपराध के इतिहास के सबसे चर्चित कांडों में से एक है। इसके अलावा चांद बाबा की फिल्मी स्टाइल में हत्या, राजूपाल केस भी अतीक के खासे चर्चित कांड में से है। अतीक पर सबसे पहला मुकदमा हत्या का दर्ज हुआ था। अतीक अहमद ने अपने ही साथी की हत्या कर क्राइम की दुनिया में एंट्री की थी, जिसके बाद से अतीक ने हत्या, अपहरण, रंगदारी, लूट जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। अतीक अहमद के बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी। अतीक का माफिया बनने का सफर काफी खतरों से भरा था। अतीक को यह बाहुबल विरासत में नहीं मिला, बल्कि इसके लिए अतीक को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अतीक अहमद एक मामूली तांगे वाले का बेटा है। अतीक ने अपने ही साथी की हत्या कर क्राइम की दुनिया में एंट्री की थी, जिसके बाद से अतीक के जुर्मों का काला इतिहास थमने का नाम नहीं ले रहा है। अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश के टॉप भू माफियाओं की लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं, अतीक की राजनीति में भी काफी सक्रिय भूमिका रही है। अतीक प्रयागराज की वेस्ट असेंबली सीट से लगातार 5 बार विधायक चुना गया, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। जिसके बाद अतीक 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुना गया। इसके अलावा अतीक 1999 से 2003 तक राजनीतिक पार्टी अपना दल का अध्यक्ष रहा। अतीक अहमद फिलहाल अभी जेल में है। इसके बावजूद भी अतीक का अपराध की दुनिया से ताल्लुक नहीं टूटा। अतीक अहमद जेल में बैठकर भी गिरोह को लीड कर वारदातों को अंजाम देता है। अतीक पर अधिकतर मुकदमे उसके राजनीति में रहते हुए विधायक, सांसद रहते हुए दर्ज हुए हैं। अतीक अहमद पर अब तक 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अतीक के बाहुबल का पता इसी बात से पता चलता है कि अतीक अहमद के आतंक के खात्मे के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू कर उसे प्रदेश का मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था। योगी सरकार आने के बाद अतीक पर फिर से शिकंजा कसा है। लगातार अतीक की अवैध संपत्तियों की कुर्की जब्ती की जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने योगी सरकार में ही अतीक की गैंग को लिस्टेड भी किया है
और उसके गुर्गे को गिरफ्तार करने का अभियान चला रही है। बाहुबली अतीक अहमद फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अतीक के बाहुबल के बावजूद योगी सरकार का खौफ अतीक की रातों की नींद उड़ा चुका है। अतीक के खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अतीक अहमद उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है। अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है, जिसको लेकर अतीक ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। चर्चा थी कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार अतीक अहमद को यूपी के जेल में लाने की तैयारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड इस समय का सबसे चर्चित हत्याकांड है। इस कांड ने एक बार फिर माफिया अतीक अहमद को सुर्खियों में ला खड़ा किया है। उमेश पाल हत्याकांड एक ऐसा कांड है जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और जनता के मन में खौफ। इस कांड के जरिए अतीक अहमद ने योगी सरकार को खुली चुनौती दे दी है, जिसके बाद योगी सरकार ने इस घटना पर कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद की कमर तोड़ दी है। साथ ही अतीक के गुर्गों पर भी सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया है। उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो यह घटना प्रयागराज में 24 फरवरी को हुई थी। इस घटना में उमेश पाल और उसके साथ मौजूद दो गनर्स की बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में गवाह थे। 24 फरवरी को उमेश की गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के दौरान उमेश और उनके गनर को गोली लग गई थी, जिससे उनकी और उनके गनरों की मौत हो गई थी। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि बदमाशों को इस हत्याकांड को अंजाम देने में मात्र 44 सेकंड लगे। इस घटना में अतीक के शूटरों के साथ अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद भी शामिल था। इस घटना को करीब 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और पुलिस लगातार शूटर्स और अतीक के बेटे की तलाश में लगी हुई है। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। इसके बावजूद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं इस घटना से अतीक के बेटे असद ने भी इस जुर्म की दुनिया में एंट्री कर ली है, या यूं कहें कि अतीक की इस काली विरासत को संभालने के लिए उसका बेटा तैयार हो गया है। बता दें कि घटना का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हो गया है। इसमें अतीक का बेटा असद साफ तौर पर नजर आ रहा है। वीडियो में अतीक का बेटा अपनी कार से उतरकर फायरिंग करता नजर आ रहा है। इस हत्याकांड में अतीक के बेटे के साथ और भी लोग शामिल थे। इसमें अतीक के कुछ खास लोग भी शामिल थे, जिसमें अतीक अहमद के परिवार के लिए साए की तरह घूमने वाले साबिर ने भी बिना चेहरे छुपाए कार से उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। साबिर मौजूदा वक्त में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ साए की तरह रहता है। इस घटना में तीसरा अपराधी बमबाज गुड्डू मुस्लिम था, जिसने घटना के दौरान बाइक से उतरते ही थैले में रखे बम दागने शुरू कर दिए। असद अहमद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर, ये तीन नाम ऐसे थे जिनकी मौजूदगी ही काफी थी इस बात की पुष्टि के लिए कि उमेश पाल की हत्या के पीछे साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद का हाथ है। अतीक अहमद का बेटा असद अभी तक फरार है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें असद की खोज कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अतीक का बेटा असद नेपाल भाग गया है। उमेश पाल हत्याकांड पर सियासत भी गर्म है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अब गोली चलाने वाले पहले शूटर को मार गिराने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि मारे गए अपराधी ने अवैध असलहे से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। इस दौरान एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ। उमेश पाल हत्याकांड में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस क्रम में पहले अपराधी अरबाज का एनकाउंटर हुआ और फिर तीन अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसके बाद एक और शूटर का एनकाउंटर हुआ। इस बीच समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज कांड को लेकर चल रही बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई का विरोध किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब सरकार को ऐसे ही कार्रवाई करनी है तो सरकार अदालतों को बंद कर दे। समाजवादी पार्टी ने सरकार और पुलिस पर अतीक अहमद को बचाने का आरोप भी लगाया है। उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने कई माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलवाया है। इस क्रम में एक्शन लेते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने प्रयागराज और कौशाम्बी में अलग अलग जगहों पर एक साथ बुलडोजर चलवाकर दो घरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें असरोली के ग्राम प्रधान का मकान तोड़ा गया
और कौशाम्बी के राजूपाल हत्याकांड में 18 साल से फरार मोस्ट वांटेड शूटर अब्दुल कवि का मकान तोड़ा गया। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के करीबी गन हाउस मालिक सफदर अली के बेटों के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जानकारी के मुताबिक सफदर अली की प्रयागराज में बंदूक की दुकान है। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो हथियार और कारतूस इस्तेमाल हुए वे सफदर अली की दुकान से ही मुहैया कराए गए थे। इसके अलावा अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर पीडीए का बुलडोजर चला। माफिया अतीक अहमद के साथ साथ प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी पर नकेल कसनी शुरू कर दी है, जिसके चलते योगी सरकार ने एंटी माफिया अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी लोगों में से एक कमलेश सिंह की 2 मंजिला बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर कार्रवाई से पहले प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर कमलेश सिंह को कई बार नोटिस जारी किया था। दूसरी तरफ प्रशासन ने बस्ती में जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की और ग्राम समाज के भूमि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर बना 2 मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया गया। जांच में पाया गया था कि मुख्तार के बेटों का 2 मंजिला आलिशान मकान अवैध था। वहीं गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद से मुख्तार और उसके बेटों की कई संपत्तियां कुर्क की गई हैं। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। अतीक पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार नेपाल में अतीक के बेटे की तलाश कर रही है। साथ ही अतीक की पत्नी शाइस्ता पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस अतीक के बेटे और पत्नी के साथ साथ उमेश पाल हत्याकांड के अन्य आरोपियों की तलाश कब तक करेगी और उन आरोपियों पर योगी सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये देखना काफी रोमांचक होगा। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।